अखिल हिमाचल क्षत्रिय महासभा की प्रदेश स्तरीय बैठक प्रदेश अध्यक्ष यशपाल सिंह राणा की अध्यक्षता में घुमारवीं में संपन्न हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि सन 2020 में आरक्षण की अवधि समाप्त हो रही है, अतः किसी भी समुदाय को आरक्षण नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जातियों की जनगणना से संबंधित गलत आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। अखिल हिमाचल क्षत्रिय महासभा प्रदेश स्तरीय बैठक प्रदेश अध्यक्ष यशपाल सिंह राणा की अध्यक्षता में घुमारवीं में संपन्न हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि सन 2020 में आरक्षण की अवधि समाप्त हो रही है, अतः किसी भी समुदाय को आरक्षण नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जातियों की गणना से संबंधित गलत आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जो कि सरासर गलत है, जिसमें बताया जा रहा है कि स्वर्ण 35% व आरक्षित वर्ग के लोग 65% हैं, जबकि ये वास्तविकता नहीं है। एक तरफ हम बिशप गुरु बनने का सपना देख रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पूरे देश में आरक्षण व्यवस्था लागू करके योग्यता वाले लोगों को बाहर किया जा रहा है। अतः क्षत्रिय महासभा ने सरकार से मांग की है कि आरक्षण के स्थान पर योग्यता को मापदंड बनाया जाए व आरक्षण को पूरी तरह समाप्त किया जाए। उन्होंने कहा कि गुज्जर समुदाय के कुछ नेता क्षत्रिय महापुरुषों के इतिहास को चोरी करने का प्रयास कर रहे, जिसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि महासभा के संज्ञान में आया है कि घुमारवीं उपमंडल की भपराल पंचायत के बनी अनुसूचित जाति के कुछ लोगों ने गांव के ही स्वर्ण लोगों पर आरक्षण की आड़ में जाति सूचक शब्द कहने पर पुलिस में मुकदमा दर्ज किया है, जो कि झूठा है, तथा स्वर्ण समाज को बदनाम करने की कोशिश की है। अतः महासभा ऐसे कृत्यों का पुरजोर विरोध करती है व सरकार से मांग करती है कि स्वर्ण लोगों को झूठे केसों में फंसाने वाले लोगों पर तुरंत कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि एक महीने के अंदर इस मुद्दे पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो महासभा आंदोलन करने पर मजबूर होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने एट्रोसिटी एक्ट में जो संशोधन किया है उसे तुरंत वापस लिया जाए। यशपाल राणा ने कहा कि आने वाली 20 अक्टूबर को राजा मिहिर भोज प्रतिहार, जो कि गुज्जर प्रतिहार राजवंश के सबसे महान राजा माने जाते हैं, उनकी जयंती का प्रदेश स्तरीय समारोह बिलासपुर में मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल स्वर्ण समाज से सिर्फ वोटों की राजनीति करते हैं और उसके बाद स्वर्णों को अनदेखा कर दिया जाता है। यही कारण है कि आरक्षण को कोई भी राजनीतिक दल हटाना नहीं चाहता है। देश भी तभी तरक्की करेगा अगर योग्य लोग अपने सही स्थान को दिया जाएगा। नंबर 3, ये जो एट्रोसिटीज एक्ट है, एट्रोसिटीज एक्ट का इतना ज़्यादा मिसयूज हो रहा है। जैसे अभी आपके बिलासपुर ज़िला में ही ये एक 25 जुलाई का केस है बनी भरपाल गांव का, जिसमें कुछ राजपूत और ब्राह्मण भाइयों पे झूठा केस इन अनुसूचित जाति वालों ने किया, जिसके बारे में इन्होंने एसपी साहब से डीसी साहब से मुलाकात करी और इसका विरोध किया और 19 अगस्त को डीसी बिलासपुर को एक मेमोरेंडम दिया गया, उनको ज्ञापन दिया गया और साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद वो ऐसी समाज के लोग उन्होंने एक दूसरा झूठा केस कर दिया और हमारी सरकार से मांग है कि इसकी सही और निष्पक्ष जांच करवाई जाए। हम सरकार को 1 महीने का वक्त देते हैं कि इसके सही दिशा में इसकी जाँच हो और सही तरीके से इसकी जाँच हो, निष्पक्ष जाँच हो, नहीं तो अन्यथा हमें सड़कों पर उतरना।